इधर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को दी शिकायत। उधर बीजेपी बोली आरोपी के साथ रहे केजरीवाल शर्मनाक। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छुपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि आरोपी शख्स दिल्ली के सीएम के साथ यूपी में घूम रहा है। एनडीए में शामिल होते ही दागी नेताओं पर सॉफ्ट हो जाती है केंद्रीय एजेंसियां। पीएम मोदी ने दिया इसका जवाब। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 400 सीटों को लक्ष्य हासिल करने को लेकर देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। इस बीच एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी समेत कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। पीएम मोदी से पूछा गया कि एनडीए में शामिल होते ही दागी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियां क्यों सॉफ्ट हो जाती हैं? पूरी दुनिया को भरोसा है बीजेपी की सरकार बनने वाली है। पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का भी किया जिक्र। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है और सिर्फ 3 चरण बाकी है। कहा जा रहा है कि आधा चुनाव हो चुका है और आधा अभी बाकी है। ऐसे में देश के राजनीतिक दल और उसके नेता वोटर्स को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भरोसा है कि इस बार उनकी सरकार हैट्रिक मारेगी। चला हो सकी वोट दे आई। चुनावी सभा में बीजेपी सांसद रवि किशन का दिखा अलग अंदाज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। नामांकन के बाद प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। वह जनसभा और चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच जनसंपर्क करने के लिए जा रहे हैं। वहीं अब अदरक कूटकर चाय बनाने के बाद गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने वोटरों को रिझाने के लिए पैंतरा बदला है। उन्होंने मंच पर चला हो सखी वोट दे आई और श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने में गीत सुनाकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का हुआ अंतिम संस्कार। ज्योतिरादित्य सिंधिया नदी मुखाग्नि। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का ग्वालियर में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस मौके पर पूरा सिंधिया परिवार मौजूद रहा। राजमाता के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुखाग्नि दी। ग्वालियर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम दर्शन करने मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अनेक विपक्ष के नेता शामिल हुए। सबका हुआ मंगलसूत्र। नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के बयान की हो रही है खूब चर्चा। सारण में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान की काफी चर्चा हो रही है। छपरा के परसा के मस्तिष्क में क्रीड़ा मैदान में राजद की उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य के समर्थन में मंगलवार को सभा आयोजित की गयी थी। इस सभा में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं, सबका विवाह हुआ मंगलसूत्र पहनाया, हम लोग मंगलसूत्र पहनाने वाले हुए या छीनने वाले हुए, प्रधानमंत्री की भाषा कोई सर नहीं है। दिवंगत सुशील मोदी के परिजनों से सीएम नीतीश ने की मुलाकात। अंत्येष्टि में नहीं हो सके थे शामिल। सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को दिवंगत सुशील कुमार मोदी के घर पहुंचे। दिवंगत सुशील कुमार मोदी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी और सांसद संजय झा भी सीएम के साथ मौजूद रहे। वहीं इस मुलाकात को लेकर सुशील मोदी के भाई राजकुमार मोदी ने कहा, नीतीश जी और सुशील मोदी दोनों सच्चे दोस्त थे। इंदौर नगर निगम कर्मचारियों के आर्मी जैसी ड्रेस पहनने पर विवाद तेज। कांग्रेस ने मेयर से मांगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों के आर्मी की ड्रेस पहनने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब कांग्रेस मुखर गई है। कांग्रेस ने इस प्रकरण को लेकर महापौर और निगम आयुक्त का इस्तीफा मांगा है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि नगर निगम के महापौर और आयुक्त के हिटलर शाही चल रही है। शहर हित में जो फैसला लेने होते हैं वो सभी फैसले एक तरफा हो रहे हैं। इसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिकों या प्रतिपक्ष को शामिल नहीं किया जाता है, उनकी राय नहीं ली जाती। उनके पास चूड़ियां भी ना हो हम पहना देंगे, कंगना रनौत ने पाकिस्तान का जिक्र कर किया कहा। मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पाकिस्तान समर्थित बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा वह तो यह कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अगर उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम उन्हें चूड़ियां पहना देंगे। झारखंड में गरजे एमपी के सीएम मोहन यादव। हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम को लेकर कही ये बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज झारखंड के रांची में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूरे देश में मोदी में माहौल है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हजारीबाग सहित मध्य प्रदेश, झारखंड और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। अब की बार 400 पार
फिर एक बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता बहुत समझदार है, वह पीएम मोदी की योजनाओं को पसंद कर रही है और इसका लाभ हमें मिलेगा।